हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग्स फाइन। तो परसों मेरा बर्थडे था तो उस वजह से थोड़ा व्लॉग आ नहीं पाया। तो आज हम बात करेंगे एयर प्योरीफायर्स के बारे में। जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि आजकल काफ़ी उनको मतलब पब्लिसिटी की जा रही है, एयर प्योरीफायर्स लगाइए। तो ये अवेलेबल हैं सस्ते सस्ते, 2-3 हज़ार से लेके 50,000, 60,000, 70,000 तक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्या हमें लेने चाहिए, क्या है इनका यूज़, आर दे वर्थ बाइंग, इसी बारे में मैं आपको बताऊँगा जो मैं समझता हूँ और जो मुझे लगता है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर एक वो है जो आपके जो एयर है घर में कॉमन, उसके में जो डस्ट और पॉलन्स जो कुछ कुछ पार्टिकल्स रहते हैं एयर में, उसको वो मैग्नेट की तरह खींच लेता है और क्या देता है कि एयर प्योरीफायर होगी। तो क्या इसकी ज़रूरत है? जो आजकल एड्स आ रही हैं बड़ी बड़ी कंपनी फिलिप्स और पता नहीं कौन कौन सी बनाने में लगी हुई हैं और उसको मार्केट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक जेन्युइन सी बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। एक गांव का आदमी है जो खुली हवा में रहता है, जहाँ पर कुछ फिल्टर विल्टर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अच्छी जगह पर रह रहा है। और एक शहर का आदमी है, वो फिर भी अभी एयर फिल्टर को साइड पर रख दिया, फिर भी फिल्टर पानी पीता है, 100 चीज़ें करता है, चोचले करता है। बट जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे बीमारियों के मामले में या इम्यूनिटी के मामले में, तो जो गांव वाला होगा ना, वो शहर वाले से ज़्यादा स्ट्रांग होगा इंटरनली। क्यों? क्योंकि उसने ये सब कुछ फेस किया है। हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ को फेस करते हैं तो उसके लिए एक इम्यूनिटी हमारे में डेवलप हो जाती है, तो उस इम्यूनिटी से हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो अगर वो चीज़ वही बैक्टीरिया या वही मतलब चीज़ हम दोबारा फेस करें तो हमें उसका कुछ असर नहीं होता। और ऑन द अदर हैंड, जिसने शहर में वो चीज़ फेस नहीं की और वो रियल लाइफ में उस चीज़ को फेस करे, तो वो उसको सीधा अफेक्ट करती है। बड़ा सिंपल फंडा है। तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी तभी बढ़ती है जब आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डस्ट के अंदर हैं उसको फेस करते हैं। तो होगा क्या अगर एयर प्योरीफायर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में बिकने लग गए, जिस तरह से मार्केटिंग हो रही है, तो होगा क्या कि हर एक बंदा जो नॉर्मली अभी तो फ़िलहाल शहर वाला बंदा गांव वाले से ज़्यादा सेंसिटिव है ही, और एयर प्योरीफायर्स के बाद हद से ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि वो घर से अगर बाहर निकलेगा और उसको कुछ ऐसा एक्सपोजर मिल गया हवा में, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तभी बीमार पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो एक अंदर की इम्यूनिटी है लोगों की, वो इन एयर प्योरीफायर्स के आने से कम हो जाएगी। एक जो स्टेमिना है फेस करने का पोल्यूटेंट्स को, थोड़ा बहुत जो बॉडी के अंदर होता है इन बिल्ड सब में, वो और कमज़ोर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एयर प्योरीफायर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, इतना सेंसिटिव चीज़ हमें नहीं बननी चाहिए। हमें कुछ अपनी इंटरनल जो इम्यूनिटी हमारे अंदर भगवान ने डाली है उसको यूज़ करना चाहिए और इवन उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें फेस करनी चाहिए, आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा घर में जो कि आपको ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। कंपनीज काफ़ी मार्केट कर रही हैं इसको कि आपको प्योरीफाइड एयर मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद वैसे भी आती है, किसान देखिए गाँव में रहता है, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, काम करता और रात को सोता है, इतनी अच्छी इसको नींद आती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन प्योरीफायर से एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इन चीज़ों पॉल्यूटेंट से। तो मेरे हिसाब से डोंट बाय एयर प्योरीफायर्स, बाकी आपकी मर्जी। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। और इस तरह के मतलब हेल्थ वीडियोज़, ट्रैवल वीडियोज़, फैमिली ब्लॉग्स इस चैनल पर आते रहते हैं। और स्पेशल फीचर है हमारा ड्रोन का, सो ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस चैनल पर डालता हूँ। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। और हाँ, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं एयर प्योरीफायर्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए। यो।